मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां हम हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। छोटा सा एक वीडियो है, कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाया था इनकॉग्निटो मोड के ऊपर। उसी इनकॉग्निटो मोड में जो है अभी एक खुलासा हुआ है, ऐसा बताया गया है गूगल के द्वारा, और जो एक रिसर्च सामने आई है उसमें हमें ऐसा पता चला है कि ये जो इनकॉग्निटो मोड आप देखते हैं, ये जैसा कहा जाता था कि ये सेफ़ है और इसमें जो ब्राउजिंग जो होती है, आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ लिखा आ रहा है ऊपर न्यू इनकॉग्निटो टैब। इसमें जो है कहा जाता था कि जो ब्राउजिंग होती है पूरी तरीके से सिक्योर होती है, प्राइवेट होती है, सेफ होती है, इसके डेटा का जो है मिसयूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये बात अब पार्शियली सही है और इसे गलत भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा बताया गया है, एक रिसर्च में सामने आया है कि गूगल के द्वारा और जो भी इनकॉग्निटो मोड होते हैं उसकी भी प्राइवेसी पर सवाल उठाए गए हैं, उसका डाटा भी यूज़ किया जाता है। यह पूरी तरीके से पता रहता है कंपनी को, पेजेस को, ब्राउज़र्स को, कि आप क्या कर रहे हैं, क्या ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, किस तरीके के आप काम कर रहे हैं, क्या आप ब्राउजिंग कर रहे हैं। ये हिस्ट्री जो है सेफ होती है, ऐसा बताया गया है। और अब ये बात सामने निकल कर आई है कि जो भी आपका इनकॉग्निटो मोड होता है ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों ये इतना ज़्यादा पावरफुल वैसे बताते हैं, देखिए हम जिस स्क्रीन रिकॉर्डर से इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं वह भी यहाँ पर जो है स्क्रीन को ब्लैक कर देता है इस इनकॉग्निटो मोड के अंदर, कहने को ये कहा जाता था। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, अब जो है यहाँ पर कंडीशंस बदल गई हैं और ये जो आपका इनकॉग्निटो मोड है ये भी पूरी तरीके से प्राइवेट और सिक्योर नहीं है। तो अब आप क्या ब्राउजिंग करेंगे, क्या आप सर्फिंग करेंगे इंटरनेट पर, आप क्या करने वाले हैं, इसको आपको किस तरीके से करना है, कौन सा काम ज़रूरी है, कौन सा काम ज़रूरी नहीं है, किस काम को कौन से प्लेटफॉर्म पर करना है, इन सभी बातों का आप ध्यान रखें। क्योंकि दोस्तों सिक्योरिटी का पर्पज़, सिक्योरिटी लैब्स, ये सभी बहुत ज़्यादा इन दोनों बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी सारे ऐसे नए नए फ्रॉड्स निकल कर आ रहे हैं, एक और नया फ्रॉड अभी कुछ दिनों में निकल के आ रहा है जो कि रिसर्च में भी बताया गया है, ट्रेंड में भी चल रहा है, उसके ऊपर भी हम जल्द एक वीडियो बनाएंगे। उसमें हम आपको बताएंगे किस तरीके से हम एक स्मार्टली जो है मोबाइल फ़ोन को और कंप्यूटर को मॉनिटर ऑपरेट कर सकते हैं और अपने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल्स हैं उनको बचा कर रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था कि जो इनकॉग्निटो मोड है, जो गूगल क्रोम आपको गूगल पर मिलता है, जहाँ भी आपको ये मिलता है, ये भी पूरी तरीके से सुरक्षित और प्राइवेट नहीं है। इसका डाटा भी कंपनीज़ को पता रहता है और उन्हें ये सब पता है कि आप क्या कर रहे हैं, इस डाटा को मिसयूज़ ना किया जाए। लेकिन दोस्तों बात अगर प्राइवेसी की है तो उसमें भी अब यहाँ उतनी तरीके की प्राइवेसी नहीं बचेगी। मैं आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग जो इसका यूज़ करते आ रहे हों उन्हें भी बताया जा सके कि ये पूरी तरीके से अब रिलायबल, इस पर डिपेंडेंसी हम बनाकर नहीं रख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पता चलना चाहिए। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।